गुड इवनिंग एबे टाइम हेलाणी 5:45 इवनिंग ही कहू छी सब पई जेबे कि हमर इवनिंग 6:30 रे हुए 6:15 6:20 एमती रे हुए आओ आज मोर सखाळटी काम थिला तो सब पई मु बाहर को जाईथली 5टा बेले ही आसी पहुचली सेति पई आपण मानन को सहित किछि भी ब्लॉग मु माने शूट करि पा नथली किंतु मु आज जाईथली जो आज सेठी पाखरे गोटे डीमार्ट थिला तो सेठ डीमार्ट रु मु कौन सब आनी सेटा भी आपण मानक देखेबी आओ चलन तुम एबे जल्दी जल्दी देखे दोचे श्री आउ ता पापा जाय छथि छत ऊपर को गछरे पानी देवा पई कहीं ना श्री पई किछि सरप्राइज अछि जोटा मु ताको एबे भी एबे जमा भी देखेबिनी मोर घर को जीवार अछि ट्रेन रे मु ता पई सेटा रखिबी तले से खेलिवार हेले सेटा रे ही खेलिबो चलन मु देखे दोचे सो फालुदा मिक्स फ्लेवर टा बहुत भल लगे केसर पिस्ता फ्लेवर एटा भी बाय वन गेट वन फ्री थिला और फ्लेवर भी भल लगे तो केसर पिस्ता फ्लेवर मते एमती बहुत कम मिले जेतेबेले मिलीगला मैंने सोने पे सुहागा भाया लगला तो सेपाई एटा को नहीं आसली बहुत बढ़िया टेस्ट वही से बहुत भल लगे मत आईटा मक्का आने यहाँ जो पॉपकॉर्न बनवाई टी बटर रे फ्राई करती एक्चुअली केबे भी आपको बने ना मो आर जो कौन एसिड पॉपकॉर्न आईटा बन ये बन ट्राई करी नहीं आ दुईटा पैकेट आनी घर को जीवार अच्छे तो भाई घर को भी नहीं जी कि मानने गोटे पैकेट एम फालुदा मिक्स भी घर को नहीं प्लां आनी मझे मझे मुझे सैंडविच भी बनाऊँ तो यहाँ भाविली नहीं जी चीज एंड चिल्लीर यहाँ सैंडविच ब्रेडटा तो ये नहीं आ यहाँ भी मतलब 64 समथिंग पड़ा मैंने 89 अच्छी यार एमआरपी कि मतलब 60 समथिंग पड़ा आउ सब मतलब रिजनेबल लगे ऑनलाइन में मुझे भी देखे 100 प्लस थाए ना 99 थाए सहित डेलीवरी चार्ज बहुत किसी थाए कि यहाँ मतलब 39 रे मिलगला और 6टा सेट अच्छी कुकी कटर यहाँ 6टा अच्छी हार्ट सेप अच्छी डायमंड सेप अच्छी यहाँ गोटे कौन हेक्सागोनल शेप अच्छी स्टार अच्छी एमटी फ्लावर दीटा एमती अच्छी तो ये अच्छी 6टा सेट ये जेको कुकी बनला बेले आपको आम यूज कर पार तो से आनी गोटे मोर तो यूटेनसिल बहुत विकने तो यहाँ आनी आने कड़ेटा बहुत लगे क्यूट प्राइस भी बहुत कम थी 139 रे एमती नॉन स्टिक वाला एमती धरियापाई अच्छे ये भी जल्दी गरम हेनी तो एमती नॉन स्टिक रही नहीं आसो बढ़ाई मुझे आनी प्लेट पूरा परफेक्ट कवर हो जाठ टे बड़ हेले भी यहाँ कवर करहब तो से यहाँ भी कैसे 65 सरी 59 यहाँ अच्छी तो 59 रे यहाँ मुझे आनी 139 23 मन अच्छे फालुदा दुईटा को मत 75 रे मिलला तो से बहुत मैंने भल लगे आईटा हूँ चीज हॉट गार्लिक यहाँ गोटे बहुत भल लगे कि मैंने बहुत दिन तले खाई बहुत दिन तले खाई से मतलब भल लगी तापर आनी नी के नूडल्स के आनी नी मैगी चपरमिन ये सब आने भी आने दुईटा के आनी यहाँ गोटे ट्रे टाइप आनी 29 था 29 ये भी बहुत भल क्वाटी वाइज ये बहुत भल अच्छे तो से स्टार्टिंग में मुझे कही यहाँ बाय वन गेट वन फ्री थी कैंडी पाउडर स्टार्टिंग में कहीनि कैंडेड पाउडर 140 अच्छे एमआरपी एमआरपी मैंने बाय वन गेट वन फ्री अच्छे आईटा को ना मुझे को आज पर्यटन लगे दूसरी आई पाउडरटा ही लगे कहीं मतलब ये भल लगुच एमती भी स्किन डिजीज पाई कैंडेड पाउडर ही सब रेकमेंड करी को तो जब से मैंने जन्म होता हस्पिटाल रही मैंने कैंडेड रेकमेंड करते
डॉक्टर रेकमेंड करथिले तापरे जे बेबी मु चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बा जाईली से भी कहिले कि ताको सबरे कैंडिड ही लगे दबो तो सब पे कैंडिड लगे लगे दिए आओ एटा ओडे नुवा ग्रीन टी आनछि माने हम सबरे ब्रेकफास्ट मदर चॉइस आनी एटा ओडे पिला टी कंट्रीड ग्रीन टी आओ एटा हनी एंड लेमन फ्लेवर रहछि केमती लगुच मैंने टेस्ट करिया करने गोटे आईटा भी प्राइस भल था 99 अच्छी एमआरपी किंतु प्राइस थिला समथिंग 69 समथिंग थिला तो ये नहीं आसली गोटे नुआ ट्राई करिया करनेगुटा आईटा गोटे गार्डमन मान ये इलायची एसेंस आईटा वैनिला एसेंस युगुड़ाक यहाँ बोधे 28 24 यहाँ 34 अच्छी रुपीज एमआरपी 34 एमआरपी 28 कितु एमआरपी ठार कम अच्छी देखी एक्जाक्ट तो मन नहीं आईटा अच्छी स्त्री सरप्राइज पजल जो अच्छी मैंने पजल मैट यहाँ ता नाम हूँ पजल मैट यहाँ गोटे मतलब 99 मिलला मैंने यार ए टू जेड अच्छी आ 6 पीस अच्छी ए टू जेड आ 1 टू मैंने 0 टू 9 तो यहाँ गोटे छोट छुआ मैंने खेलिया माइंड एक्सरसाइज भी हम पजल टाइप भी अच्छी तो से भाई एवं देखेबी घर को गला जीवा भितर ट्रेन में बदमाशी गले देखेबी यहाँ गोटे आईटा हूँ लापसी रावा कौन यहाँ को मैंने सुजी रू टे मोटा दाना और ये मैंने यहाँ साउथ साइड रे मैंने उपमा बनाती और से उपमाटा ये झूरा झूरा हुए ना मतलब बहुत पसंद आसाला से रवाटा आनी गोटे टाइप सुजी टाइप रुपये सुजी दर टे बड़ बड़ दाना यहाँ आनी देखा ट्राए करी आपत तो भी रेसीपी सेयार करी और सब रिजनेबल प्राइस मतलब बेसन मिलला बेसन थी 60 रुपीज के जी थी आउ हाँ यही रवाटा थी 40 रुपीज हाँ 40 रुपीज के जी थी तो मुझे 538 सपिंग तो अर्गानाइज करी कि मोर आप सहित बहुत कथा अच्छी कथा सारे अर्गानाइज करी आईटा भी करचुअली मतलब थका लगुच दिन सारा मैंने ट्रावेल ट्रावेल पड़ेगा से थका भी लगुच पेसेंस नहीं मैंने आराम से बस मुझे आसिकिना भात खाइली हजबैंड आज मो भात रोष करते अंडा तरकारी बन बढ़िया लगुला बहुत टेस्टी होता सी रोष भी भल करते से आमती मत भोक बहुत लगुला आसला बेल से झालमुड़ी खाई पैड पा पीली हेल्ले भी से गुड़ा कौन मानते भात भोक तो ये गुड़ा मेटे पारे जहा हूँ आसला बेलू से बन रखी थे भात मो बहुत बेस बन जी खाए तर डबल क्वांटीटी पूरा मोबाइल से जब भी भात बनाते से बन दिखते तो डबल क्वांटिटी पूरा बन अधा खाई अधा रखी राति में चिकेन आने प्लान अच्छी जदि हो पार चिकेन रेसीपी मुझे सेयार करी चिकेन रेसीपी तो अलरेडी सेयार कर सारी कौन भी सेयार करी जदि तार रेसीपी देखा चाहूँ मुझे सर्ट्रे देखेदेवी कि रेसीपी डिटेल्स सेयार करी आईटा गोटे कावेरी रहा मानने कपूर जो पूजा कपूर जोटा यहाँ एमआरपी अच्छी 45 किंतु 30 रुपीज ना 35 से एमती मिलूला कितने ग्राम अच्छी 20 ग्राम रमती तो कपूर बहुत रेट भी अधिका हो गला 20 ग्राम रहा थर्टी एक्जाक्ट रेट मन ना जो 34 कि 35 एमती पड़ी तो यहाँ मुझे कौन पर आनी जब भी थंडा हुए ना स्त्री को सोरस तेल सहित यहाँ गोटे कि दुईटा पीस सोरस तेल आउे कला जीरा टे फुटी मैंने फुटे दिए फुटे सारापर यही गोटे रू दुईटा पीस एड करे पूरा गरम थी भेजे
ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ ପୁରା ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଭଳିଆ ବାସ୍ନାଟେ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ତେଲଟାକୁ ଛୁଆର ପିଠି ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ରେ ମାଲିସ୍ କରିଦେଲେ, ଛାତିରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ତଳିପା ଯେଉଁଟା ପାଦରେ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପୁରା ଭଲସେ ମାଲିସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଦେହ ହାତ ସବୁଆଡ଼େ ମାଲିସ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରେମେଡ଼ିଟିଏ, ଘର ରେମେଡ଼ି। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ତ ଏଇ ରେମେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରେ। ମୁଁ ବି କେତେଥର ଦେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଦିନରେ ଥରେ ନହେଲେ ତିନି ଚାରି ଥର ଆକୁ ମାଲିସ୍ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ନଯିବା ଭଲ, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ମାନେ ବଡ଼ି ସେତିକି ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ଉପରେ ଯିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିନେବି ଘର, ବହୁତ ଗପି ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏଇ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି ବୋଲି, ମାନେ ପପକର୍ନ ବନେଇବି ଭାବିଛି। ଯଦି ମାନେ ମୋର କାମ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ବନେଇବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆର କଭର୍ ବି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଏବେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବି ମୋର ବାସନ ଉପରେ ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆର MRP ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 209, 139 ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ବିନେସନ୍ ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ବି ନୂଆ ବାସନରେ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି କେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବି ପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଉ ତାର ପାପା ଏଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ତାର ମୂଳକୁ ଖୋଳିକି ସେଥିରେ ସବୁ ମାନେ ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ଫୁଲ ଯାହା ବି ଠାକୁର ଫୁଲ ସବୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତାଦ୍ଵାରା ଏଇଟା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ ଖତ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଗଛ ବି ହେବ। ଏଇଠି ସେ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତି କି ମାନେ। ସୋ ମୁଁ ଏଇଠି କିଚେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିନେଇଛି, ସବୁ ବାସନ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଜି ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛା ପୋଛି କରିନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାସନଟି ଆଣିଛି କଡ଼େଇ ଆଉ ଏଇଟା ତା'ର ଘୋଡ଼ଣୀ, ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଠାଇବାର ଷ୍ଟିକର୍ ଉଠାଇବାର ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ବତେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ବସେଇଦେବି। ଏତେ ଛୋଟ କୁନି କରି ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇନେବି, ତାର କଭର୍ଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବି। କଭର୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ପପକର୍ନ ବନେଇବା ତା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କଭର୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପୋଛି ବି ନେଉଛି। ପୋଛି ନେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମଏଶ୍ଚର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଠି ନା ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ତ ମଏଶ୍ଚର ଅବଜର୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଓଦା ଅଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୁଖି ନେଉଛି ମାନେ ପୋଛା ମାରି ନେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ୟାନ୍ ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ବଟର୍ରେ ଟିକେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋରେ ରଖିକି ଏସବୁ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଉଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଚାମଚ ଏମିତି ଚଲେଇ ନେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏମିତି ବଟର୍ ସହିତ ପୁରା ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବଟର୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ
अल्प पॉपकॉर्न इसे ऐड करेंगे ना ऐड करला मात्र के एकदम आप बंद कर दो ची बंद करके अंदर तक चार पांच मिनट के अंदर घोड़े दबो अब इसके मज़बूती से चालू होगा बस वादा और निश्चय ना करेंगे तीन चार मिनट चला पर गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी कि मैंने हाई फ्लेम रे रखी कि मैंने फ्लेम ऑफ कर दो उसे अब एमटी में तब छाड़ दबा तब इतना से एमटी ये चले हो अब अच्छा लगे कितने सुंदर है रानी एब्बे मुंह कहीं की कवर करते जी कहीं ना सिसली टेम्परेचर रही हो वो और ये डा खोला करते ले मुंह को चिटके वाला बहुत चांस है सत्य भाई मैंने इंजरी अवॉइड करिया भाई मुंह को फोन कर दीजिए तो ये थी पॉपकॉर्न बनी जाई ची आओ प्लेट रेडी कर ची चाह सहित आप खूब खाएगी चाह पाए मैंने पानी गर्म कर ची आओ जो नुआ टी आनी चाहिए जी मैं नुआ टा आज ही स्टार्ट करी भी मेरे पुराना ग्रीन टी का पैकेट सरी इसला आओ उधर ग्रीन टी का पैकेट अच्छी तो मुझे डाउन खोल लेना ही मैं इधर नुआ उधर ट्राई करिया किंतु फ्लेवर अच्छ पॉपकॉर्न भी ये देखो मेरे को सुंदर भाग रहे बनने के लिए कौन देखे वीडियो हमारे पॉपकॉर्न ना हो चाहा बनने के लिए दी गला चल लिया तो स्नैक्स कर तो स्नैक्स कर या भाई तो टाइम मिला साढ़े आठटा आम रुटी भी बनिया बनी गला मुझे चिकेन बनवाप कड़ेटा को बसे नेबी आबे कड़े गरम हवा भितर पिज गुड़ को काटने पिज पतरे यार मानते पांच मिनिट खे पतरे तार चोपा भल भाव छाड़ जाए तो या मध्य कड़े गरम हो गला पिज काटे कड़े मुझ पखापाखि दुई टेबुल स्पून तेल एड कली तेल गरम होगापर से गोटे खंड तेजरी पत्र आ गोटे दुई खंड डालचीनी एड कली डालचीनी टी क्राक ए सबुतक पिज एड कली अल्प टिके लुण एड करवा ताद्वारा पिज शीघ्र सीझी आल भाव चल नाई हाई फ्लेम रखी ताद्वारा मोर पिज गुड़ शीघ्र शीघ्र टी रेड हो गले मुझे एड करी अन्य जिनस चिकेन रेसीपी तो अलरेडी मुझे सेयार कर सारी कौन भी सेयार करी आप देखी नियंतु कौन कौन एड करुच्ची मुझे दुईटा छोट छोट टमाटो को प्यूरी करके एड कली एक्चुअली टमाटो बेसी पड़ला बेलू खटा लगुच कम टमाटो एड कर अधिक टमाटो भी दिए आगे भल भाव मानने गुंड मसला देकी फ्राए कर लुण हलदी गुंड अल्प टिके काश्मीरी लंका गुंड दे चिकेन ये मुझे मैरिनेट करवा टाइम दे दही अदा रसुण पेस्ट लुण हलदी गुंड मीट मसला काश्मीरी लंका गुंड टे एड करी ये सब नहीं मैरिनेट कर दे पखापाखि अध घंटे रू घंटे पखापाखि ए भल भाव चल ना हाई फ्लेम सब करवा घोड़े कुक कर नवा ये देखो गोटे दुई मिनिट कला चिकेन कलर भी टे चेज होगा लगला भल भाव घोड़े ना आमती हाई फ्लेम पांच सत मिनिट रखी फ्लेम को लो कर नवा पखापाखि पांच रु सत मिनिट हो देखते चिकेन केत मात्र पा छाड़ आकु मझे मझे एमती चलैक जमा भी भूल आठ देखते मुझे चलिए नहीं कि पूरा हाथ मुठारे मुठे रु दुई मुठा एम धनिया पत्र एड कर आपको भल भाव मिसई नहीं कि पुणी थे कभर करदेवि फ्लेम को लो करदेवि एमती कभर करके अध घंटे पाख कुक कर ना तादी मुझे सालाड भी बन सालाडटा मानने पूरा चुनी चुनी करके पियाज टमाटो कंचा लंका काटे मूला टिके ग्रेट करे धनिया पत्र भी ये चोप करके नहीं नहीं स्वाद अनुसार बीट लुण जीरा गुंड एड करना भल भाव मिसई नौ मत भात खाइबार तो चिकेन सालाड देक भात खाईने कड़े की कुक कर पखापाखि अध घंटे हो गला मझे मझे एमती चलिए नौली देखा ए देखु कलर पूरा सुपर भेज डेलीशियस बहुत बढ़िया बास्ना हो चलिए ना एमती आल्प टे मानते ग्रेवी बनईबि भात खाइबी जेहेतु हजबैंड और स्त्री भी रुटी खाइबे तो से मुझे ग्रेवी भल कि बनई नौ मैंने चिकेन तो एमती भी फाइबर रिच होता तो ग्रेवी रही भी ये सुखा हो जाए बहुत जल्दी तो से मुझे ग्रेवी टिके रखी
ପାଇଁ ନା କାଲି ସକାଳେ ବି ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଲଞ୍ଚରେ ବି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବନିଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ବାସ୍ ମୁଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଆହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନେବି। ଏଇଠି ମୋର ଡିନର୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଭାତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ବନେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବନେଇବାକୁ ପେସେନ୍ସ ବି ନଥିଲା କି ଖାଇବାକୁ ପେଟରେ ଜାଗା ବି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ସୋ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଡିନର୍ କରିସାରିଲୁ, ବାସନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ ସେ ବଫରିଂ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାସନ ବି ମାଜିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି କେତେଥର କହିଛି ମୁଁ ଏମିତି ବାସନ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିର ବାସନ ମୁଁ ସକାଳକୁ ରଖେନି। ନିହାତି ୱେଷ୍ଟ କେସ୍ ଯଦି ଦେହ ଅତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କେବେ କେମିତି ରଖିଦିଏ, ନହେଲେ ରଖେନି। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲେ ବି ରଖିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମିତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ରାତିର ବାସନ ମାନେ ମାଜିଦେଲେ ଆଉ ସକାଳକୁ ବେଶୀ କିଛି କାମ ରହେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।